कौन सा और आप चाहिए बस। बिल्कुल डिम्पी जी, देखिए एक स्टॉक तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कि आईजीएल था, जहां पर मुझे लग रहा है कि यहां से काफी बढ़िया मूव आपको देखने को मिल सकती है। सेकंड जो स्टॉक रहेगा थोड़ा उसमें मूव ऑलरेडी आ चुका है, बट मुझे लग रहा है कि यहां से भी थोड़ा डिप आएगा तो भी ज्यादा बेटर है, बिकॉज जब मैं देख रहा था स्टॉक तो आई थिंक करीब करीब 2200 के करीब करीब था, तो थोड़ा ऊपर आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि वापस से अब यहाँ पर 50% लेके चल सकते हैं। थोड़ा नीचे आएगा 2200 के करीब करीब, वापस आप थोड़ा यू नो एड ऑन करके चलिए। स्टॉक का नाम रहेगा पॉलीकैब। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है डिब्बी जी, काफी अच्छे सपोर्ट से आज हम लोग एक पुल बैक देख रहे हैं। कल के सेशन में एक फॉल्स ब्रेकआउट आया और फॉल्स ब्रेकआउट के बाद में आज एक काफी अच्छा पुल बैक है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको एक नॉर्थवर्ड मूव डेफिनेटली एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए टूवर्ड्स ऑन इमीडिएट बेसिस 2300 और 2350। तो यहाँ पर मेरा लॉन्ग्स करने का सलाह रहेगा पॉलीकैप के अंदर। करंट लेवल्स पर भी आप बाय करके चल सकते हैं, थोड़ा डीप अगर मिल जाएगा तो ज्यादा बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा आपका। स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करके चलना रहेगा वो रहेगा 2150 का। ठीक है, 2150 का एक स्टॉप लॉस पॉली कैब आपका। दूसरा शेयर आईजीएल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको रीजनिंग भी बता दी है, ये भी रोहित सर की लिस्ट में ही है। ये पॉली कैब वैसे कल बहुत खराब था, जिनको कल का एक्सपीरियंस है ना भूल जाओ, बिल्कुल फॉर्मेट और रिबूट कर दो अपने आप को। आज का दिन ऑलमोस्ट अलग है, बिल्कुल कल और आज में जमीन और आसमान का फर्क है पॉली कैब में। ठीक है, पॉली कैब बाय कॉल हम नोट कर लेते हैं सर आपके, और उम्मीद करते हैं कल जब हम रिपोर्ट कार्ड बना रहे होंगे तो आपके काफी सारे शेयर हम ये बता पाएंगे, देखो इसमें 2%, इसमें 3%, इसमें कई अच्छे पड़ेंगे आपके स्क्रीन पर। दीपक नाइट्रेट, रोहित सर एक बार चेक चेक कीजिएगा आप, एक तो दीपक नाइट्रेट और दूसरा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, टायर वाली कंपनी है, चल नहीं रही है टायर वाली कंपनीज, बट फिर भी रुक रुक के बालकृष्ण के अंदर बाइंग आ जा रही है, शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पर आ रही है बाइंग। कितना ट्रस्ट करें सर बीकेटी के अंदर, एक तो बाइंग को और दूसरा दीपक नाइट्रेट सर? डिम्पी जी देखिए, अगर मैं पहले दीपक नाइट्रेट की बात करूं तो यहां से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ ज्यादा बनती हुई दिखेगी जब ये स्टॉक ऑन द इमीडिएट बेसिस 1870 के ऊपर ट्रेड करेगा। 1870 एक काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल का काम कर रहा है यहाँ पर, जैसे 1870 के ऊपर ये स्टॉक निकलेगा मुझे लग रहा है कि फिर नेक्स्ट मूव आपको करीब करीब यू नो 2000 के करीब करीब देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स में बिल्कुल बना रहना चाहिए, अगर किसी को फ्रेश लॉन्ग्स करना है तो थोड़ा सा ऊपर करेंगे 1870 जैसे क्रॉस करेगा फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ से बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है ऑन पोजीशन बेसिस टुवर्ड्स 2000। तो दीपक नाइट्रेट स्ट्रक्चर काफी ज्यादा बेटर तो नहीं है बट यस खराब भी नहीं है, तो यहाँ पर बने रहने की सलाह रहेगी। 1810 का स्टॉप लॉस लगाए फॉर एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स, फ्रेश लॉन्ग्स 1870 के ऊपर हम लोग इन करेंगे सेम स्टॉप लॉस के साथ में फॉर द टारगेट्स ऑफ 2000। बालकृष्ण इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो यहाँ पर स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर है डीपी जी, तो यहाँ पर बिल्कुल आप लॉन्ग्स इनिशिएट करके चल सकते हैं, काफी बेहतरीन सपोर्ट से सेशन में बाउंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से जब जो नेक्स्ट लेग ऑफ मूव आपको देखने को मिल सकता है ऑन इमीडिएट बेसिस 2200 रुपए और उसके ऊपर अगर निकलेगा तो फिर आपको मूव जो देखने को मिलेगा एक्सटेंड होते हुए 2280 तक। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री यहाँ पर काफी बढ़िया स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 2120 2120 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, और यहाँ पर डेफिनेटली फ्रेश लॉन्ग्स भी आप ऐड करके चल सकते हैं और एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स में बिल्कुल बने रह सकते हैं। टारगेट क्या होगा सर बालकृष्ण का, बीकेटी का? पहला टारगेट 2200 रहेगा डिब्बे जी, सेकेंड टारगेट 2280। पहला टारगेट 2200, दूसरा 2280, 2120 का एक स्टॉप लॉस, 30 रुपए जाएंगे और यहां से कम ज्यादा नहीं तो पहले 50 रुपए और फिर उसके बाद अगर जुड़ गया तो 80 रुपए और, यानी कि 130-140 रुपए आपको मिल जाएंगे।